सात साल बाद सलारपुरा बांध भरा था और पानी बहा जा रहा था सर, उस पर आपने एक्शन लिया सर, किस तरह का पूरा मामला था? सलारपुर बांध के संबंध में पूरा वो भर चुका है और जैसा बताया गया कि सात साल बाद है तो ऐसा ही मेरे संज्ञान में लाया गया, जिसके पश्चात उसका पानी बताया गया कि इसमें मदन सागर से तीरथ सागर में जाता है, तो उसके बीच में जो दिक्कतें थी, जो सफाई होनी थी नहर का या कहीं पर टूटी हुई थी, उसको सही करने का कार्य कल रात जो है SDM साहब को और एक्शन साहब इरीगेशन को निर्देशित किया गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 48 घंटे में शायद जो पानी जो है अधिकतम 72 घंटे में शुरू हो जाएगा, जिससे कि मदन सागर तक पानी पहुँचेगा। जो सर पानी बर्बाद हो गया उसके लिए कौन दोषी? पानी तो पानी है और उसको जहाँ उसको जगह मिलती वहाँ जाता है, उसके संबंध में क्योंकि पानी ज़्यादा है, बरसात हुई अचानक जो है उसकी वजह से ये चीज़ें हुई। लेकिन क्या सिंचाई विभाग को पहले तैयारी करना नहीं चाहिए? सिंचाई विभाग ने बताया कि पिछले साल उन्होंने इसको भेजा था, उसकी सफाई की सेंसर नहीं मिली थी, लेकिन उसको हमने अपने जो सार्वजनिक फंड है उसके माध्यम से। रशीद कुरैशी, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़। सलारपुर बांध पूरी तरह लबालब भर चुका है और जिसकी खबर महोबा न्यूज ने कल प्रमुखता से दिखाई थी। कारण ये था कि यहाँ बांध लबालब भरने के कारण भी फाटक खोले नहीं गए, जिससे कि ये पानी बर्बाद हो रहा है और मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है। आप कैमरे के माध्यम देख सकते हैं कि ये पानी कितना लबालब है और रस रहा है, ये पानी मध्य प्रदेश को जाता है। अगर जिम्मेदार अधिकारी फाटक को खोलते हैं तो ये पानी कि मदन सागर जाएगा और मदन सागर से तीरथ सागर जाएगा, जिससे कि लोगों को पानी की दिक्कत न हो पाए। इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं महोबा न्यूज़ के संपादक अनु शर्मा, इनसे जानेंगे आखिर कितना ज़रूरी है ये पानी और समय रहते कब खुलना चाहिए। अनुज जी देखिए, कल ही महोबा न्यूज़ ने पूरी खबर को दिखाया था, चूँकि सात साल बाद ये पूरा बांध भरा है, पानी का जो फ्लो है मध्य प्रदेश की तरफ ये है और ये पानी बह रहा है। हमने ये खबर दिखाई थी, उसके बाद जिला प्रशासन संज्ञान में आया और आनन फानन में जिलाधिकारी ने पूरे मामले को संज्ञान में लेके एक बैठक बुलाई थी, सिंचाई विभाग के सारे अधिकारियों को बुला के। तो सिंचाई विभाग के अधिकारी द्वारा ये सूचित किया गया था कि नहर जो है जो महोबा की तरफ जाती कई जगह टूटी फूटी है, तो आज उसका जो है आनन फानन में तेज़ी से काम किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है जिलाधिकारी के द्वारा कि पिछले 72 घंटे के अंदर ये नहर खोल दी जाएगी और महोबा के जो खाली पड़े तालाब हैं, जो मदन सागर है और कीरत सागर, उनका भरा जाना है। तो एक बड़ी बात है ये कि पानी बर्बाद नहीं हो पाएगा, अब जो पानी है उसका सदुपयोग होगा, क्योंकि पानी की बहुत क्राइसिस है महोबा में, वाटर लेवल नीचे चला गया है, हैंडपम्प सूखने लगे हैं। अब वो जब पानी यहाँ से खोला जाएगा, महोबा जाएगा पानी और वो तालाब भर जाएंगे, तो अपने आप खूबसूरती और वाटर लेवल मेंटेन हो जाएगा। जी कुल मिलाकर ये कहना बिल्कुल ही लाजमी होगा कि महोबा न्यूज खबर का एक बहुत बड़ा असर हुआ है। कुंभकर्णी नींद में सोया सिंचाई प्रखंड अब जाग गया है। खबर को DM ने प्रमुखता से देखा और आनंद फानन में सिंचाई प्रखंड के जो XCN है संजय प्रसाद, उनको निर्देशित किया कि उक्त जो पानी के फाटक हैं उनको खोला जाए और जो काम डैमेज है उसको जल्द से जल्द मरम्मत की जाए। आज DM ने हम लोगों को बताया है कि जल्द से जल्द 48 घंटे के भीतर ही पानी को अन्य तालाबों में छोड़ा जाएगा, जिससे कि महोबा के लोगों को पानी के लिए दिक्कत का सामना न करना पड़े। अनु शर्मा के साथ रशीद कुरैशी, महोबा न्यूज़।